अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल, जो कि है अंडे की कतली, जो कि सबको पसंद होती है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे, साथ साथ मिक्स ड्राई फ्रूट्स, खोपरा पाउडर, साथ में 2 इलायची, चांदी के वर्क, घी और चीनी हसबे जायका। सबसे पहले अंडों को एक एक करके मेजरमेंट कप में डालते जाइए। अब कप में अंडों के लेवल को देखते हुए वहां पर मार्क लगाइए, ताकि हमें यहां पर अंडे, चीनी और घी की क्वांटिटी बराबर लेनी है। अब इन अंडों को एक बाउल में डालें और इसी क्वांटिटी के हिसाब से घी को शामिल करें। यहाँ मैं ऑप्शनल दूध ले रही हूँ, आप यहाँ पर खोया भी ले सकते हैं या खुश दूध भी ले सकते हैं। साथ साथ इसी क्वांटिटी से चीनी भी आप जायके में, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले लें। 2 इलायची को शामिल करें, साथ में हाफ क्वांटिटी में खोपरे को शामिल करें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें कि चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए। अच्छे तरीके से अंडों को, चीनी को और घी को फेंट लें कि तमाम चीज़ें यकजा हो जाए। अब इसमें कटे हुए पिस्ता और बादाम को शामिल करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फिर एक डेगची या फिर फ्राई पैन लेते हुए सामीजे को उसमें डालें। और नॉर्मल फ्लेम पे चम्मच को मुसलसल चलाते रहें, ताकि कहीं गुठलियाँ ना बने। आहिस्ता आहिस्ते देख रहे हैं आप, ये थिक हो रहा है और साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो रहा है। जैसे ही ये घी छोड़ना शुरू कर दे और साथ साथ इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसको फ़ौरन से ग्रीस किए हुए किसी भी बर्तन में इसको जमा लें और साथ साथ कट लगाते हुए कतलियों की शेप कट कर लें अपनी पसंद के मुताबिक। आप देख सकते हैं घी छोड़ रहा है, इसमें साइड साइड से घी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि ये हमारा तकरीबन तैयार होने को है। विंटर की ये बहुत हेल्दी डिश है, इसको बनाकर सेव करके रख सकते हैं और अपने बच्चों को और अपने बड़ों को भी घर में इसको दें। इट्स अ कम्प्लीटली हेल्दी डिश जिसमें एग है, ड्राई फ्रूट्स हैं और बाकी चीज़ें शामिल हैं, जो कि इस मौसम में बहुत ताकत देती हैं। अब इसको एक ग्रीस किए हुए किसी भी ट्रे में या डिश में इसको निकाल लें और इसको अच्छी तरीके से फैला लें। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, खोपरे को शामिल करें और अच्छे तरीके से सेट कर दें। बेलन की मदद से इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें। अब इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा लें और इसको भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर सेट कर लें।
किसी नाइफ़ की मदद से इसको अपनी पसंद के शेप में कट कर लें। इन कतलियों को हमेशा गरम गरम में ही कट किया जाता है ताकि ये आराम से बाद में सेपरेट हो जाएं। ऊपर से इसको प्लास्टिक से रैप करते हुए इनको चाहे तो अपने प्यारों को अपने हाथ से बनाए हुए मज़ेदार गर्मा गर्म अंडे की कतली को इस प्यारे मौसम में पेश करें। जब उनके घर जाएं तो उनके लिए स्पेशली अपने हाथ से बनाई हुई सौगात लेकर जाएं, जो कि है ताकत से भरपूर और जायके में है भरपूर। इनको अच्छी तरीके से रैप कर लें। साथ में इसके ऊपर डेकोरेट कर लें थोड़ा सा। ये सर्दियों का सबसे बेहतरीन तोहफा है जो आप अपने प्यारों के घर जब जाते हैं उनके लिए बना कर ले जाएं, वो भी खुश हो जाएंगे। लीजिए, मज़ेदार सी अंडे की कतली तैयार हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो उस पर लाइक लगाएं, आप भी शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कभी एक अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।